काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग उन्नीस सौ ईस्वी से प्रारंभ हुआ था जब बाबू श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और एम की कक्षाएं कक्षाएँ प्रारंभ हुई थी बाबू श्याम सुंदर दास उन्नीस तक यहाँ अध्यक्ष थे उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उस समय क्या हम समझते हैं कि उन्नीस तक हिंदी विभाग इस पुरानी बिल्डिंग में था और चौंसठ के पहले डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा इसके अध्यक्ष थे उनसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ अध्यक्ष थे वे लोग यहीं बैठते थे इस पुरानी बिल्डिंग में ही कमरा नंबर 41 में जिसमें एक बड़ा सा हॉल था उस हॉल के आधे भाग के आधे भाग में अध्यक्ष बैठते थे और उसके आधे भाग में अध्यापक फिर आधे भाग में हिंदी की कक्षाएं चलती थी क्योंकि उस समय तो छात्र कम होते थे बाद में जैसे जैसे छात्र बढ़ते गए कक्षाएं अन्यत्र चलने लगी उसमें लेकिन उसमें भी उसी दौर में सेंट्रल हिंदू कॉलेज चूँकि कमच्छा परिसर में स्थापित था डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो जिन्होंने बाद में मालवी जी को दे दिया था दान में इस विश्वविद्यालय के मदर कॉलेज के रूप में दिया था तो हिंदी की कक्षाएं, क्या अधिकांश कक्षाएं वहाँ इंटर तक की वहीं चलती थी बीए की भी वहाँ चली बाद में वैसे कक्षाएं धीरे धीरे बिल्डिंग बनती गई तो यहाँ शिफ्ट हुई और आ, मैं समझता हूँ कि कारण साहब द्विवेदी जी के समय में थे और द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का प्रभाव कारण साहब पर पड़ा था और उन्हीं के कारण मैं समझता हूँ कि बाबा कारंत ने रंग कर्म की ओर अपना कदम बढ़ाया था हालांकि सुना ऐसे है कि वे चाहते थे कि मैं हिंदी कविता और लयत्व की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करूं, लेकिन आचार्य द्विवेदी ने उन्हें निर्देश दिया कि आप आ, रंग कर्म की ओर नाट्य कर्म की ओर अभिमुख हो तो उससे आपको सफलता मिलेगी और कारण साहब ने अपना वह कदम बढ़ाया नाटक की ओर और, और उन्हें सफलता मिली आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी 1950 में यहाँ अध्यक्ष बन के आए थे विश्व भारती शांति निकेतन से और उन्हीं के समय में आ, उस दशक के अंत में करीब 1960 तक आचार्य द्विवेदी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और हम समझते हैं कि सत्तावन अट्ठावन के आसपास बाबा कारंत ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी उनकी इच्छा थी कि मैं हिंदी कविता और लयत्व पर काम करूं और इसमें एक नया रूप प्रस्तुत करूं आचार्य द्विवेदी ने बाबा कारंत द्वारा मंचित किसी नाटक को काशी में देखा था तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति रंग कर्म की ओर अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि आप नाटक की ओर अपना ध्यान दें और वोबा कारंत ने नाटक की ओर ध्यान दिया और उसका परिणाम हिंदी जगत के सामने है क्योंकि जब हम लोग भी यहाँ अध्यापक हो गए थे बाद में तो कहा जाता था कि जयशंकर प्रसाद के नाटक मंचन के योग्य नहीं हैं वोबा कारंत ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उन प्रसाद के नाटकों का मंचन करके दिखाया कि नहीं उनके सभी नाटक मंचित हो सकते हैं और इसमें अपूर्व सफलता उनको मिली थी यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव बाबा कारंद पर पड़ा था जिसे उन्होंने कर दिखाया आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे उस समय पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था हर विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर अभिमुख होता था हिंदी में मार्गदर्शन के लिए निर्देशन के लिए यहाँ आने के लिए आचार्य द्विवेदी को अपने विश्वविद्यालय में बुलाने के लिए और इस कारण उनके जो यशस्वी शिष्य थे प्रोफेसर नामवर सिंह प्रोफेसर शिवप्रसाद सिंह इन लोगों का बड़ा दबदबा था एक तरह से लोकप्रियता थी छात्रों के बीच में अध्यापकों के बीच में भी यह द्विवेदी जी का ही प्रभाव था और अन्य विश्वविद्यालय जो भी थे इलाहाबाद हो दिल्ली विश्वविद्यालय हो विश्व भारती हो जो भी हो सभी आचार्य द्विवेदी की ओर अभिमुख होते थे उनको बुलाने के लिए उनका मार्गदर्शन लेने के लिए और सच कहा जाए तो जिस ऊंचाई को बाबू श्याम सुंदर दास ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी हिंदी के क्षेत्र में उस ऊंचाई को बढ़ाने में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और उनके साथ आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का महती योग